हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आपको फ्लेक्सोन एमआर की डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपको दे सकूं। तो चलिए फिर बात करते हैं इस फ्लेक्सोन एमआर का इंडेट की। ये एरिस्टो की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस काफ़ी कम है। इसकी प्राइस आप देखें तो 24 रुपीज इसकी प्राइस है पर 10 टैबलेट की, और इस तरह से आपको टैबलेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जानी मानी और पुरानी प्रोडक्ट, ब्रांड भी बहुत बढ़िया है और नेम भी बहुत ही पुरानी है। इसके अंदर मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो इसके अंदर आइब्रोफेन, पारासीटामोल और क्लोरोजोक्सोन का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी शानदार है। तो अगर आपको किसी भी तरह की पेन की समस्या है, कमर में दर्द की समस्या है, या फिर मसल्स पेन की समस्या है, जोड़ों में दर्द है, या फिर आपको कहीं पर भी चोट लगने की वजह से अगर बैक पेन वगैरह है या फिर घुटनों में दर्द है, तो वहाँ पे इसका बहुत ही बढ़िया यूज माना जाता है और ये बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ दिलाती है। यानी कि आप बात करें तो ये टैबलेट जो है आपको फीवर में भी यूज हो जाती है क्योंकि इसमें पारासीटामोल है। तो बहुत सारे लोगों को होता क्या है कि जकड़न वाली दर्द जो है वो हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ दिलाती है। ये जो यहाँ पे आप तीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तीनों मॉलिक्यूल इतनी बढ़िया है कि आपको किसी भी तरह के दर्द में बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ दिलाती है। तो अगर आप इस फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन सब बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और आपको किसी भी तरह की बॉडी में इचिंग जैसी समस्या आती है, या फिर अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह की सूजन की समस्या आती है, या फिर पेट में जलन की समस्या आती है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। और जिनको भी पारासीटामोल से एलर्जी है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें पारासीटामोल जो है वो मिलाई गई है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलते हैं। इसके डोज की बात करें तो आप इसका डोज सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। खाली पेट बिल्कुल से इसका इस्तेमाल ना करें और ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल 3 टाइम भी कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा दर्द की समस्या होती है तो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी फ्लेक्सोन एमआर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।